नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइकेट्रिस्ट। कल हमने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में समझा। अब इसको बेहतर समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स का सहारा लेंगे। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा, पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद में इन एग्जांपल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टोरी बताऊँगा एक सोल्जर की। ये सोल्जर कश्मीर में पोस्टेड था, तो रात को जब अपने बैरक में सो रहा था तो उसी के किसी सोल्जर ने अचानक से अपनी राइफल निकाली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बैरक में आपने अगर देखा होगा तो एक बंक जैसे बेड बने होते हैं, जैसे एक के ऊपर एक तीन बेड लगे होते हैं, ऐसे उसमें लगभग 10 से 12 बेड थे। सारे जवान सो रहे थे और अचानक से इस दूसरे एक जवान ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में उसने किसी के ऊपर निशाना नहीं साधा और वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। इसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और हमारा जो एक सोल्जर था, जो पेशेंट था हमारा, वो एक कोने में छुप गया, जहाँ से उसको ये उसका जो कुलिक था जो फायरिंग कर रहा था वो देख नहीं पा रहा था। काफ़ी देर तक फायरिंग करी और उसकी जब तक गोलियाँ ख़त्म नहीं हुई तब तक वो फायरिंग कर रहा था। जब वो कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहा था तो पेशेंट एक जगह पर छिपा हुआ था और वो एकदम से निस्तेज पड़ा था, ताकि उसको फायरिंग करने वाले को ऐसे लगे कि वो मर गया है। जब तक वो फायरिंग करने वाले ने देखा कि सारे लोग मर गए हैं और उसकी गोलियाँ काफ़ी कम हो गई है, लास्ट में उसने अपने आप को शूट कर लिया। जब इंसिडेंट ख़त्म हुआ तो सोल्जर ने देखा कि सारे लोग मर गए हैं, सिर्फ वो अकेला बचा था। इसका उसे बहुत गहरा सदमा लगा, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। उसको बार बार वही सीन याद आता था। वो सीन उसको ऐसे याद आ रहा था कि जैसे उसके साथ में घटना दोबारा से घट रही है। उसको अचानक से सामने वो सोल्जर दिखाई देता था जो उसके ऊपर राइफल ताने हुए है और वो फायरिंग कर रहा है। उसको साथ में ऐसे भी गिल्ट हो रहा था कि जब फायरिंग हो रही थी तब मैंने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश नहीं करी और मैं खुद छिप गया, जिसकी वजह से मेरे दोस्त मर गए। हालांकि ये बात सच नहीं थी, हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं था कि इस सोल्जर ने अपने आप को पहले बचाने की कोशिश करी और वो छुप गया, लेकिन उसके मन में एक गिल्ट बैठ गया था कि मेरी वजह से शायद मेरे दोस्त मर गए, शायद मैं अगर कुछ कर लेता तो वो बच जाते। इस वजह से उसमें डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। वो छोटी छोटी बातों को लेकर घबराने लग गया। वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि वो बराक में इंसिडेंट हो गया था इस वजह से, या बराक थे उसमें वो जाने से भी डरता था। जब उसका कहीं और ट्रांसफर करवा दिया गया तब भी वो ऐसे बेड्स में सोने के लिए डरता था। उसको ऐसे लगता था कि रात को कोई आ जाएगा और उसको शूट कर देगा। उसको ये तो पता था कि ये उसकी गलतफहमी है, ऐसा शायद इंसिडेंट दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन ये बात उसके मन से नहीं निकलती थी। उसको असेसमेंट किया और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का डायग्नोसिस किया। ट्रीटमेंट में उसको काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ा और उसका ट्रीटमेंट जो था काफ़ी एग्रेसिव रहा। उसको इनिशियल पार्ट में SSRIs और बेंजोडाइजेपिन्स दिए गए, जो काफ़ी हाई डोज पे रहे। धीरे धीरे इनकी मात्रा घटाई गई। जब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया तो उसको साइकोथेरेपी स्टार्ट की गई। साइकोथेरेपी का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन पेशेंट को ठीक होते होते कम से कम 6 से 7 महीने लग गए। जब वो ठीक हो गया उसके बाद भी उसको वो इंसिडेंट बार बार याद आते थे, उसके सपने आते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो इंसिडेंट उसके साथ फिर से हो जाएगा। उसके मन से ये वहम निकालना काफ़ी मुश्किल था कि वो बराक में ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होगा, इसलिए उसकी पोस्टिंग अलग जगह पे करवाई गई और उसको अलग क्वार्टर्स में रखा जाता था, जहाँ पे वो बराक जैसा माहौल नहीं था। अब दूसरा एक इंसिडेंट बताते हैं। एक 25 साल का युवक था जो अपने दोस्त को बाइक पे पीछे बिठा के कहीं जा रहा था। जब वो संकरे रास्ते से बाइक चला रहा था तो अचानक से सामने से आते हुए ट्रक ने उसको कट मार दिया, जिस वजह से उसकी बाइक नीचे गिर गई और काफ़ी दूर तक घसीटते हुए गए। इस हादसे में पेशेंट को चोट लगी, उसका फ्रैक्चर भी हो गया, लेकिन उसका जो दोस्त था अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट में पेशेंट को उसके बाद बाइक चलाने में घबराहट होने लग गई। वो बाइक चलाने से डरता था, बाइक लेके तो वो चला जाता था, लेकिन जब भी उसको लगता था कि सामने स्पेस कम है तो वो रास्ते से एकदम से बाइक नीचे लेके जाता था और बाइक चलाना बंद कर देता था। उसके हाथ पैर कांपने लगते थे, पसीना आने लगता था, होठ सूख जाते थे और बाइक चलाने की उसमें दोबारा से हिम्मत नहीं होती थी। इस केस में पेशेंट को गिल्ट नहीं था कि उसकी वजह से उसके दोस्त की डेथ हो गई। वो ये बताता था कि जो डेथ हो गई वो ट्रक ड्राइवर की गलती से हो गई, ना कि मेरी गलती से। इस युवक में गिल्ट फैक्टर नहीं था। साथ ही में उसको जो सपने आते थे इंसिडेंट के, वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थे, मतलब हर रोज़ नहीं आते थे। वो अपना काम कर पा रहा था, बस उसकी घबराहट और एंजाइटी लेवल बढ़ गई थी। तो ये सेकंड इंसिडेंट जो था ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का इंसिडेंट नहीं था। इसमें भी पेशेंट को एंजाइटी के लिए SSRIs दिए गए, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट था इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहा। इन दो इंसिडेंट से हमें समझ में आता है कि जो सीवियरिटी है इंसिडेंट की, अब दोनों इंसिडेंट बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है, लेकिन आपको समझ में आने के लिए मैंने
दो इंसिडेंट का सहारा लिया है। पहले वाले इंसिडेंट में पेशेंट में, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी, फिर भी उसमें गिल्ट फैक्टर आ गया था। गिल्ट फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसकी वजह से पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पेशेंट की ये भावना मन से निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसकी वजह से किसी की डेथ हो गई या किसी को हानि पहुँची है। अगर किसी में ऐसी भावना है कि उसकी वजह से किसी को हानि पहुंची है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस गिल्ट की भावना की वजह से उनमें डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन दो एग्जाम्पल से मैंने आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करना है, ये संक्षिप्त में समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। धन्यवाद।